और चलिए राजस्थान की बात करेंगे, जहां पर राजस्थान में शुक्रवार से एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन और जैसलमेर कोटा से होते हुए कम दबाव के क्षेत्र तक जा रही है और इसी सिस्टम के कारण अगले सप्ताह तक राज्य में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। अगले 24 घंटे में रिपोर्ट देखें तो राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बाड़मेर, सिरोही, सीकर, राजसमंद, जोधपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बांसवाड़ा में 1 से 1.5 इंच तक बारिश हुई है। हालांकि आज राज्य के अधिकांश शहरों में बारिश साफ है, लेकिन दोपहर के बाद में मौसम विभाग ने नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा के अलावा डूरंगपुर, बांसवाड़ा एरिया में कहीं कहीं बादल छाने के साथ बारिश होने की संभावना भी जताई है। इधर मध्य प्रदेश और कोटा संभाग के इलाकों में लगातार हो रही बारिश से चंबल में पानी की आवक जारी है। कोटा बैराज के 3 गेट खोलकर लगातार चंबल का पानी आगे छोड़ा जा रहा है। हनुमानगढ़ एरिया में बारिश सामान्य से हो रही हो, लेकिन घग्घर नदी में आ रहे पानी से यहां बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नदी में ओटू हेड से 40,000 क्यूसेक पानी आ रहा है, इससे घग्घर नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले 24 से 48 घंटों के लिए जिले में काफ़ी चिंताजनक हालात है। 3 दिन पहले यानी कि 16 जुलाई तक घग्घर में ओटू हेड से 25,750 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। यहां पर रावतसर, डिब्बी, हनुमानगढ़ जंक्शन समेत कई जगहों पर 2,000 से अधिक लोगों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया है।